हाय हेलो नमस्कार। आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम तथा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का सिलेबस। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं लो समझ लो। तो चलिए चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस समझ लेते हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आसानी हो। हमारा पहला चैप्टर जो है, पहला अध्याय जो है, वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अब वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है विद्युत आवेश। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चालक एवं विद्युत रोधी। उसके बाद आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है विद्युत आवेश के मूल गुण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है बहुल आवेश के बीच बल। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। उसके बाद हमें विद्युत क्षेत्र में रेखाएं पढ़नी है। उसके बाद हमें विद्युत फ्लक्स पढ़ना है। उसके बाद हमें विद्युत द्विध्रुव पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। उसके बाद हमें संतत आवेश वितरण पढ़ना है। उसके बाद हमें गाउस के नियम पढ़ने हैं। उसके बाद हमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत हमें स्थिर विद्युत विभव पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ना है, विद्युत द्विध्रुव कारण विभव पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आवेशों के निकाय के कारण विभव। जो दूसरा टॉपिक आता है हमारा सम विभव पृष्ठ। और उसके बाद आता है आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाह्य क्षेत्र में स्थित ऊर्जा। उसके बाद हमें पढ़ना चालक की स्थिर विद्युत की। नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है परा विद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना समांतर पट्टिका संधारित्र। नेक्स्ट टॉपिक में हमें धारिता पर विद्युत परा विद्युत का प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। उसके बाद हमें पढ़ना है संधारित्रों में संचित ऊर्जा क्या होती है। उसके बाद हमारा एक डिवाइस आता है वान डी ग्राफ, इसको हमें पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। इसके अंतर्गत हमें विद्युत धारा पढ़नी है, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं वो पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भरता। उसके बाद हमें विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति पढ़नी है, प्रतिरोधकत्वों का संयोजन, श्रेणी एवं पार्श्व संयोजन ये पढ़ना है, सेल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, किरचॉफ के नियम, इसमें किरचॉफ लिखा है लेकिन किरचॉफ का नियम होता है, किरचॉफ के नियम हमें पढ़ना है, व्हीट स्टेन सेतु में पढ़ना है, मीटर सेतु पढ़ने हैं और पोटेशियोमीटर जिसे हम विभव मापी भी कहते हैं उसे हमें पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। हमारा इसमें पहला टॉपिक जो है वो है चुंबकीय बल। नेक्स्ट आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गति। नेक्स्ट है संयुक्त विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में गति। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा, अवयव के कारण, चुंबकीय क्षेत्र और बायो सेवर्ट का नियम। विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट आता है एम्पियर के परपथी नियम। एम्पियर ने परपथ संबंधी एक नियम दिया था वो हमें पढ़ना है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर के अंतर्गत। परिनालिका एवं टोरेराइड, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ये सारे टॉपिक्स हमें गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं।
इस प्रकार से इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 5 है, वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसके अंतर्गत हमें क्षण चुंबक, चुंबक एवं गॉस के नियम, भूचुंबकत्व, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थ के चुंबकीय गुण और स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, इतने टॉपिक्स जो हैं वो हमें चुंबकत्व एवं द्रव्य के अंतर्गत पढ़ने हैं। इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर नंबर 6 है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंतर्गत हमें फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग पढ़ने हैं, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट पढ़ना है गतिक विद्युत वाहक बल। उसके बाद ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन, भंवर धाराओं के बारे में पढ़ना है, प्रेरकत्व क्या होता है वो पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 7 हमारा है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण एवं कला समंजक। उसके बाद आता है प्रेरक में प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति और शक्ति गुणांक, एसी परिपथों में शक्ति और शक्ति गुणांक। एलसी दोलन पढ़ना है, ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसके अंतर्गत हमें विस्थापन धारा पढ़ना है, बस ये हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9 नंबर पे है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये पहले सेकंड पेपर यहाँ से स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो है वो दोनों पेपर को एक में कर दिया गया है, इसलिए हमारा सिर्फ एक पेपर होगा फिजिक्स का 70 नंबर का और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होगा। इसलिए ये पूरा सिलेबस एक ही बुक में आपको मिलेगा या एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा। तो किरण एवं प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसके अंतर्गत हमें गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोली पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तनांक, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो पढ़ने हैं, प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि ये सब पढ़ने हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर तरंग प्रकाशिकी, इसमें पढ़ना हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल दर्पणों के लिए अपवर्तन तथा परावर्तनों के नियमों का सत्यापन। ओके दोस्तों, तरंगों में कला संबद्ध, तरंगों में कला संबद्ध एवं कला असंबद्ध का योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग के दुई झिरी का प्रयोग, विवर्तन क्या होता है वो पढ़ना है, ध्रुवण के बारे में हमें पढ़ना है। इस प्रकार से तरंग प्रकाश की भी हमारा समाप्त हो जाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 11 नंबर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके अंतर्गत हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत।
और नेक्स्ट टॉपिक में हमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण विकिरण ऊर्जा क्वांटम ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में प्रकाश की कणी प्रकृति और फोटॉन के बारे में हमें पढ़ना है। द्रव्य की तरंग प्रकृति, डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग। इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो अध्याय नंबर 12 है वो है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है परमाणु। इसके अंतर्गत हमें अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल पढ़ना है। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल पढ़ना है, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बोर के क्वांटमीकरण एवं द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा हो जाता है ख़त्म। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है नाभिक न्यूक्लियस। इसके अंतर्गत परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक की साइज कितना होता है, द्रव्यमान ऊर्जा एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय ऊर्जा। इस प्रकार से यह चैप्टर न्यूक्लियर भी हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ एवं सरल परिपथ। इसके अंतर्गत धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, नैज अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन, अर्धचालक डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, संधि डायोड का दृष्टिकारी के रूप में विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड, अंकक इलेक्ट्रॉनिकी तथा तर्क लॉजिक गेट। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है और सारे चैप्टर हमें फिनिश हो जाते हैं। फिजिक्स में हमें 14 चैप्टर पढ़ने होते हैं जो कि मैंने चैप्टर वाइज और उसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से ये पूरा सिलेबस आपका है। तो आने वाली वीडियोज में हम इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से बारीकी से समझाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही हम कोई टॉपिक्स का वीडियो बनाकर आपके अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।